हेलो दोस्तों, आज हम सब लेके आए हैं एक नए वीडियो को, वो भी नए अंदाज में। जैसा कि हम सबको पता है कि आईसीएसई, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। लोग स्टूडेंट जो है पास भी हो चुके हैं, तो उनके मन में एक जरूर सा क्वेश्चन उठता होगा कि हम सबको दसवीं की बात करें, मीन्स टेंथ की बात क्या करें, इलेवेंथ की बात क्या करें। उसी के बारे में हम सब आज एक वीडियो को लेके आए हैं, जैसा कि बताने जा रहे हैं कि दसवीं के बाद क्या करें और ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो समझते हैं उनके मन में जो क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, पहला है भाई दसवीं व बारहवीं के बाद क्या करें। लोगों स्टूडेंट के मन में मैक्सिमम क्वेश्चन ये होता है कि लोगों से पूछते हैं बताओ कि हम क्या करें, तो अगला बोलता है कि ये कर लो, फिर अगला बोलता है कोई बायोलॉजी ले लो। तो हम सब उसी क्वेश्चन को एक बार लेके आए हैं, इस वीडियो के थ्रू समझाना चाह रहे हैं। दसवीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें ये डिसाइड करना, और दसवीं के बाद कौन कौन से स्ट्रीम से पढ़ें, मतलब कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं उसको समझना है। तो पहले समझते हैं दसवीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। देखो दसवीं के बाद जो हम सबका जो सब्जेक्ट है, दसवीं के बाद जो विषय होगा, जो सब्जेक्ट होते हैं, देखो तीन होते हैं। एक होता है कॉमर्स, दूसरा होता है हम सबका साइंस, विज्ञान जिसको हम सब बोलते हैं, विज्ञान स्ट्रीम। मीन्स ये है हम सबका कॉमर्स का, ये है हम सबका साइंस का, और एक होता है बायो का, मीन्स जीव विज्ञान जिसको हम सब बोलते हैं। मीन्स तीन स्ट्रीम यहां पे समझ रहे हैं हम सब। एक है दसवीं के बाद, दसवीं के बाद जो विषय होता है वो होता है कॉमर्स, और कौन सा होता है साइंस होता है, और जीव विज्ञान होते हैं। तीन स्ट्रीम होती है। तो देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रीम होता है। तो स्ट्रीम हम सबको पता है भाई कि दसवीं के बाद कॉमर्स होता है, साइंस होता है और बायोलॉजी होता है। तो देखो डिपेंड ये करता है कि कौन सा सब्जेक्ट लें, तो कौन से एरिया से हम सब क्या पढ़ें। तो समझते हैं हम सब दसवीं के बाद क्या करें, इस क्वेश्चन को समझते हैं। दसवीं के बाद क्या करें, चलो दसवीं के बाद क्या करें, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन में देखो हम सबका जो आंसर है, इसमें कई चीजें हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है तो ये स्ट्रीम से पढ़ना पड़ेगा, या तो कॉमर्स से, या तो साइंस से, या तो मैथ से, ये तीनों स्ट्रीम से पढ़ना है। लेकिन आपको दस ही बंद करके केवल पढ़ना है, तो ये समझना है कि हम सब दस के बाद क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के विचार में रहता है हम तो दस कर लिए हैं, उसके बाद हमारा लाइफ तो कोई अब इसके आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन हम उस चीज को आगे बताने जा रहे हैं कि अगर आप दसवीं कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप कुछ कर सकते हैं। एक होता है आईटीआई, एक होता है आईटीआई जो कि 2 ईयर्स का होता है, केवल 2 साल का आईटीआई होता है, ये समझते हैं। 2 साल का आईटीआई होता है, वो भी गवर्नमेंट एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बनाई है कि आपको ये डिग्री देना है। तो कई यूनिवर्सिटीज देती हैं, लेकिन यहां पे हम सब समझने हैं कि जो आईटीआई है वो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट जो मिलते हैं उसी कॉलेज से हम सबको करना है। देखो आईटीआई करने के बाद आपको, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, एक तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो, दूसरा क्या है भाई, एक गवर्नमेंट भी जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। देखो गवर्नमेंट जॉब में क्या है, एक तो पहला आता है हम सबका, देखें अगर बात करें ना तो रेलवे ग्रुप डी का में आता है। रेलवे ग्रुप डी का सबसे पॉपुलर यही है कि आईटीआई कर लिया उसके बाद करें क्या, रेलवे ग्रुप डी में आता है। एक पोस्ट होता है टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन का एक पोस्ट आता है। देखो आप गवर्नमेंट जॉब करने जा रहे थे, रेलवे ग्रुप, रेलवे के बारे में सुने ही होंगे, सबसे ब्रांच उसी का है, गवर्नमेंट का ही है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो रेलवे ग्रुप डी में क्या है भाई, टेक्नीशियन का पोस्ट आता है। एक क्या आता है, एमटीएस का, मल्टीटास्किंग का आता है, इसके बाद भी आप कर सकते हैं एमटीएस का, जो कि एसएससी के थ्रू कराती है। देखो प्राइवेट जॉब करके मैक्सिमम आप जो है 10 से 15 हजार कमा सकते हो, जिसके पास जो है भाई ज्यादा पढ़ाने की फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर जिसका वीक होता है, तो वो सोचता है कि अब मेरा लड़का केवल 10 ही पढ़ ले, उसके बाद ये जो है कहीं चला जाएगा कमाने या कहीं कुछ करने चला जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्राइवेट जॉब आप आईटीआई करके जा रहे हो तो आपको 10 से 15 हजार मिलने के चांसेस होते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट की सेक्टर है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भाई कुछ भी हो सकते हैं,
आप डिपेंड करता है आप किसी ग्रुप डी में हो या एमटीएस में हो। तो आगे समझते हैं हम सब, एक होता है ट्वेल्थ, इसके बाद आप ट्वेल्थ करो तो क्या है, देखो ट्वेल्थ करने के बाद आप क्या करोगे भाई, ग्रेजुएशन करोगे आप, इसको करने के बाद ग्रेजुएशन करोगे। ट्वेल्थ देखो ट्वेल्थ को बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को बोलते हैं, इसको समझते हैं लोगों के मन में सुने होंगे भाई इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, देखो इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, लोगों को यह नहीं पता होगा ट्वेल्थ को इंटरमीडिएट बोलते क्यों है। सबसे पहले समझते हैं जो टेंथ है हमारा, जो टेंथ है हमारा वो क्या है हम सबका भाई, ये जूनियर हाई स्कूल होता है, आप सुने होंगे हाई स्कूल का ये, इसका नाम होता है जूनियर हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन करके एक आता है, मैट्रिक्स आते हैं उसके तहत ये जूनियर हाई स्कूल होता है टेंथ का। देखो उसके बाद क्या है, अब ये और ये हम सबका अपर ग्रेड की अपर में आता है, मतलब ये सबसे आपको करियर बनाने का सबसे लोवेस्ट प्लेटफॉर्म का क्या है, टेंथ है। जब टेंथ है तो सबसे लोवेस्ट पे क्या है हमारा, देखो सबसे लोवेस्ट पे टेंथ है, उसके बाद क्या है भाई ग्रेजुएशन करना। तो इन दोनों को लिंक को, टेंथ और ग्रेजुएशन के लिंक को बोलते हैं हम सब इंटरमीडिएट, मीन बिना इंटर किए आप कोई भी ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। तो अगला देखो एक और भी हम सब कर सकते हैं भाई, देखो एक होता है डी फार्मा, डी फार्मा करके होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब ये देखो कोई अगर मेडिकल स्टोर भी खोला रहता है तो कहीं वो डिफार्मा करके रखता है या बीफार्मा करके रखता है, तो डिफार्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी में जो कर रहे हैं वो है। अगला देखिए अगला, एक पॉलिटेक्निक करते हैं लोग, जो पॉलिटेक्निक करते हैं उसको समझते हैं लोग, यहाँ पे थ्री इयर्स का पॉलिटेक्निक होता है, इसको थ्री इयर्स का पॉलिटेक्निक करते हैं, कई जो है कहीं कहीं लोग बाहर भी जाके कोचिंग की तैयारी करते हैं। तो हम सब अभी हमको पॉलिटेक्निक के बारे में बताना भी है प्लस उसका तैयारी भी कराना है, और इसी के तहत एक और आता है जो कि होता है आईआरटी। आप आईआरटी का नाम सुनेंगे, लोग सोचते हैं कि बताओ ऐसा क्या हमको ट्वेल्थ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आईआरटी करने के लिए या डिप्लोमा करने के लिए, तो ये अपने मन से निकाल दें कि आपको अगर जो है आपको अगर पॉलिटेक्निक करना है मींस कोई भी डिप्लोमा करना है तो आपको याद रखना कि कोई भी आपको जरूरत नहीं है कि हम सब ट्वेल्थ करें। किसी का फाइनेंशियल देखो, किसी का फाइनेंशियल भी कहता है मतलब वो ज्यादा दूर तक नहीं पढ़ा सकता अपने लड़के को, तो इतने हमारे पास कैटेगराइज है कि आप उसको क्या आप क्या करें, आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई करने से प्राइवेट जॉब मिल सकती है, और क्या हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी और भी है। तो रेलवे ग्रुप डी में आता है टेक्नीशियन पोस्ट, उसके बाद एमटीएस जो कि एसएससी के थ्रू होता है, उसके बाद क्या करना है आपको इंटर, अगर इंटर कर सकते हैं ठीक है, अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आईटीआई करो या तो इधर के ऑप्शन को सेलेक्ट करो, डिप्लोमा करो, डिप्लोमा इन फार्मेसी करो, या फिर डिप्लोमा अगर आपका इंजीनियर बनने का सपना है तो आप क्या करो, यहां से ये चीजें सेलेक्ट करो। अगर आपको इंजीनियर बनने का, ये सभी कोर्स जो है ये इधर की इंजीनियर बनने का कोर्स है जिसमें लोग आते हैं, जेई लोग जो आते हैं जिसको बोलते हैं कि जेई आ गया मीन्स वो डिप्लोमा करके ही आता है जूनियर इंजीनियर, उसके आगे भी है जो कि ग्रेजुएट करके आते हैं। हम सब बात करेंगे बीटेक के बारे में। तो अगर हम सब समझ चुके हैं दसवीं के बाद देखो आपको करने का इतना ऑप्शन है, या तो विषय सेलेक्ट करो, अगर आपको दसवीं के बाद अगर आपको ट्वेल्थ करना है तो हमने बताया कि इंटरमीडिएट बिना किए भाई आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। अगर आपको दसवीं के बाद ट्वेल्थ करना है तो या तो कॉमर्स लो, या तो साइंस लो, या तो बायो लो। अब इसमें यह भी कंफ्यूजन होता है कि बायो अगर हम लेंगे तो क्या होगा, साइंस लेंगे तो क्या होगा, और कॉमर्स लेंगे तो क्या होगा। एक और भी कला आती है, एक और भी होता है जिसको हम सब क्या बोलते हैं, कला वर्ग, जिसको बोलते हैं कला वर्ग, जिसको बोलते हैं आर्ट साइड, कला वर्ग। मींस हमारे पास चार ऑप्शन है, मींस आर्ट से चार ऑप्शन है हमारे पास, इंटर करने का चार ऑप्शन है, कॉमर्स से कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, आर्ट से कर सकते हैं, और बायो से कर सकते हैं। जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं आगे कि दसवीं के बाद क्या क्या करना चाहिए, अब उसी चीज को हम सब आगे बढ़ाते हैं कि आप क्या करें इंटर के बाद क्या करें, इस चीज को हम सब समझना है। कि मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच ये हो जाता है कि भाई उनको डिग्री मिल जाती है, ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको किस डायरेक्शन में और किस तरीके से सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि
ट्वेल्थ के बाद क्या करें, हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट के बीच में वो है ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो समझते हैं, चार स्ट्रीम होते हैं, पहला तो क्या है कॉमर्स है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा क्या है भाई कला है, चौथा क्या है बायोलॉजी है। चार जो है स्ट्रीम होते हैं, चार स्ट्रीम कौन कौन से, कॉमर्स है, साइंस है और कला है और कौन सा है बायोलॉजी है, चार स्ट्रीम होते हैं। अब स्टूडेंट निर्भर डिपेंड ये करते हैं कि हमको क्या चाहिए, लोगों के बीच में स्टूडेंट के बीच में ये क्वेश्चन हो जाता है कि भाई इसको क्या करना चाहिए, हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो वो डिसाइड उनको कैसे करना है उसको हम सब बताते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट है किसी भी एरिया में जाने का, सपोज करो किसी को अगर इंजीनियर बनने का सपना है, या किसी को आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम इस लेवल के अगर बनने का सपना है, तो उनको जो है अपने इंटरेस्ट पे, जैसे एसडीएम बनना है तो आपको भाई थोड़ा सा हट के आर्ट के साइड में जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो साइंस के साइड में जाना पड़ेगा, और डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी के साइड में जाना पड़ेगा, प्लस आपको अगर बैंकिंग से रिलेटेड, अगर जैसे अकाउंटेंसी बैंकिंग ये सब से अगर रिलेटेड आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे कॉमर्स के एरिया में जाएंगे। तो ये चीजें समझाते हैं, कॉमर्स मतलब आप बैंकिंग के एरिया में जाने का ज्यादा चांस होता है, इसलिए लोग कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं। अगला क्या है साइंस के स्ट्रीम में, साइंस के स्ट्रीम मतलब ये ऐसा स्ट्रीम है जहां पर स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में या साइंस के एरिया में उनको लेके जाने का एरिया है। तो ये साइंस अगर उस स्टूडेंट को लेना है जिसको कि इंटरेस्ट हो मैथ में, इसके लिए क्या है, इसके लिए उनको चाहिए पीसीएम, इसके लिए उनको क्या चाहिए पीसीएम चाहिए, क्योंकि पीसीएम ही पढ़ना है भाई साइंस में, पीसीएम पढ़ना है, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, एम मतलब मैथमेटिक्स। तो हमको अगर किसी स्टूडेंट को अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो साइंस ही पढ़ेगा, तो ये डिपेंड करता है, प्लस उसको ये डिपेंड करता है कि उसको उसको जो है उसके घर वाले पढ़ाना चाह रहे नहीं चाह रहे, अगर चाह रहे हैं तो ये सभी स्ट्रीम में आएंगे, अदरवाइज नहीं चाह रहे तो वो क्या करे डायरेक्ट आईटीआई करे, आईटीआई के बाद किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर दे, या फिर पॉलिटेक्निक कर ले, किसी पॉलिटेक्निक करके वो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जा सकता है, या आईईआरटी करने का वो अगर उसका सपने है कि भाई हम सब आईईआरटी में पढ़ेंगे जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, प्रयागराज ये इलाहाबाद का नया नाम है, जो कि प्रयागराज में हमको पता है कि संगम भी है, तो ये चीजें समझेंगे। संगम किसको बोलते हैं, जहां पे तीन नदियों का संगम होता है, जहां पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है संगम है। एक और भी संगम है जिसको हम सब रुद्रप्रयाग में है, तो वो वाले संगम की बात नहीं करते हम सब, प्रयागराज में जो संगम है वहां पे बात करते हैं। देखो साइंस स्ट्रीम मतलब पीसीएम आपको पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आगे देखिए अब क्या है, आर्ट में क्या पढ़ना है आपको भाई, आर्ट में जैसे हिस्ट्री पढ़ने हैं, अगर हिस्ट्री पढ़ने हैं, हिस्ट्री के बाद आपको हिस्ट्री के बाद आपको जियोग्राफी पढ़ने पड़ेंगे, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी वो आपका आर्ट में आता है। तो आगे देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब उसमें आपको पीसीबी पढ़ना पड़ेगा, देखो पीसीबी, पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीन चीजें पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। देखो दोनों आपस में यहां से बात करें ना, दोनों देखो कुछ चीजें कॉमन है, फिजिक्स यहां भी है, बायोलॉजी में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री यहां भी है, केमिस्ट्री यहां, डिफरेंट क्या है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लिए मीन साइंस के स्ट्रीम में आगे, बायो लिए मीन्स बायोलॉजी वाले साइंस आप स्ट्रीम में आगे। तो अब हम सबका क्वेश्चन जो है ट्वेल्थ के बाद क्या करें, जो कि स्टूडेंट के बीच में क्वेश्चन उठते हैं, तो हमने यहां पे बता रखा है कि देखो कॉमर्स में क्या कर सकते हो, कॉमर्स करने के बाद आप बीबीए कर सकते हो, बीबीए मीन्स ग्रेजुएट कर सकते हो आप, ये ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। अगला देखिए एमबीए कर सकते हो, मतलब मास्टर की डिग्री आप पा सकते हैं, और कॉमर्स लेने के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं जो अकाउंटेंसी के एरिया में जाते हैं। आगे देखिए बीसीए कर सकते हैं आप, बीसीए कर सकते हैं और बी आर्च कर सकते हैं और सीएस फाउंडेशन कर सकते हैं। आगे देखें सी अगर हम सबको बीकॉम कर लिए हैं तो यहां पे दो तीन एरिया और डिवाइड हो जाते हैं, जैसे आप एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, एलएलबी कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, बैंकिंग इंश्योरेंस पीओ और डीओ हो सकते हो, मैनेजर बिजनेस हो सकते हो, इस तरीके से कोर्स होते हैं अगर आप बीकॉम कर लिए हो। उसके आगे आपको अगर कोई करना है तो एलएलबी करने के बाद आप क्या करो, फिर एलएलएम करो, बैंकिंग इंश्योरेंस करो, ये सभी है। साइंस के स्ट्रीम अगर साइंस आप पढ़ रहे हैं, इंटर में साइंस
पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में हो गया है कि हमको एक साइंस के एरिया में जाने हैं, तो हमने साइंस के एरिया को लिख के रखा है। जैसे आप पहला क्या है, बीई या बीटेक, बीई और बीटेक पढ़ के क्या है, यूपीएससी की वैकेंसी देखते हैं। देखो बीई और बीटेक ये जो है करके आप यूपीएससी में जा सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू जो है, देखो यूपीएससी के थ्रू लोग जो है बहुत से पोस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक पे यूपीएससी का एग्जाम होता है। आप बी कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं तो आप तो एम भी कर सकते हैं। आगे क्या है, बीएससी करते हैं भाई, बीसीए करते हैं, होटल मैनेजमेंट डिग्री कर सकते हैं। देखो एक और जो फिल्म बन रहा है आजकल, उसमें भी आप साइंस का ही रोल है, क्योंकि पूरे पूरे टेक्नोलॉजी का जो रोल है वो है साइंस का। तो यहां एक डिग्री का नाम लिखे हमने, फिल्म डिवीजन डिप्लोमा, जो कि एफ टी आई आई करके होता है, फिल्म डिवीजन डिप्लोमा करके होता है। आगे देखें क्या है, फिल्म एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी फिल्म प्रोसेसर। देखो जो फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा है उसकी आगे क्या कर सकते हैं, फिल्म एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि सिनेमेटोग्राफी, जो कि जहां पे फिल्म बनते हैं वहां पे आप काम कर सकते हो, उस डिग्री को लेके फिल्म इंडस्ट्री के एरिया में आप जा सकते हो। आगे देखो ये सभी अगर आप कर चुके हो ना, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फिल्म जहां पे बन रहा है प्रोडक्शन में ज्वाइन इन फिल्म प्रोडक्शन, जहां पे फिल्म बन रहा है डायरेक्ट आप वहां पे ज्वाइन कर, उसके आगे क्या है टीवी चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आते रहते हैं ये फिल्म से सिनेमा हॉल वाले, वहां पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो भी किस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से। आगे देखें हमसे सबका तीसरा जो स्ट्रीम है वो है आर्ट, आर्ट मतलब कला। तो क्या होता है, वहां से क्या कर सकते हैं, सब बीबीए कर सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। देखो अगर बी और भी क्या कर सकते हैं हम सब, देखो एलएलबी भी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आपको तीन ऑप्शन और भी है, आप क्या कर सकते हो, डीटीएल कर सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, डीडीएल कर सकते हैं। आगे देखें और एक स्ट्रीम होता है बीए, बीए होता है, बीए के बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, एमए कर सकते हैं और बीएड कर सकते हैं। अगर आप जो है इतने कोर्स आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी की वैकेंसी यहां भी देख सकते हो और यूपीएससी की वैकेंसी यहां भी देख सकते हो। आगे देखो अगर आप बीए कर चुके हो तो बीपीएड भी कर सकते हो, बीएड करो या बीपीएड करो यहां भी कर सकते हो। अगर आप बीए कर चुके हो तो आप पीटी टीचर भी बन सकते हो, पीटी टीचर मतलब जो पीटी कराता है, कि वो आप देखते होंगे किसी स्कूल में पीटी टीचर भी आता है, उसका मतलब वो यही सब डिग्री लेके आते हैं। आगे क्या है, डीएड भी कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कर सकते हो, फॉरेन लैंग्वेज जो हमारे इंडिया में नहीं बोला जाता है विदेशों में बोला जाता है, उसका डिप्लोमा कर सकते हो आप, तो वहां पे डिप्लोमा करके आप विदेश भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब में भी कुछ पोस्टें हैं जो कि अगर जो फॉरेन लैंग्वेज से डिप्लोमा किया जाता हो उनको जो है पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। आगे देखें बायोलॉजी, बायोलॉजी से क्या होगा, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एमबीबीएस बन सकते हो, एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं जो कि हम सबका नीट के थ्रू होते हैं, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल साइंस में जा सकते हो आप, बीएससी होम साइंस कर सकते हो, बीएमएलटी कर सकते हो। देखो एमबीबीएस करने के बाद आपको और भी अगर कोर्स कर लेते हो तो अगर आप एमबीबीएस करने के बाद और भी कोई कोर्स कर लेते हो एडिशनल में तो क्या है आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाएगी जिसको बोलते हैं एमडी। देखते होंगे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो अपने आगे ही लिख के रखता है कि भाई ये नाम है, उसके आगे लिख के रखता है फिजिशियन एमडी, ऐसे करके लिख के रखते हैं। तो यही सब एमबीबीएस के थ्रू जो है अपने एडिशनल में डिग्री लेके जाती है। अगला क्या है, देखो स्पेशल डिप्लोमा, स्पेशल डिप्लोमा मीन्स आप किसी एक ऐसे सब्जेक्ट के थ्रू, किसी एक ऐसे एरिया के थ्रू, जैसे आपका मान लो डर्मेटोलॉजी है, ये है फिजिशियन है सर्जन, ये इस थ्रू से हम सब एक एडिशनल कर सकते हैं जो कि स्पेशल डिप्लोमा के नाम से होता है। एमएस कर सकते हो, एमडी के बाद एमडी कर रहे हो, स्पेशल डिप्लोमा कर रहे हो, एमएस कर सकते हो। अगला क्या भाई, अगला इन सभी के सिवा और भी क्या है, बीडीएस भी कर सकते हो, बीडीएस करने के बाद आपको एमडीएस करना है, एक और भी है बीएचएमएस। देखो इतने वो कोर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी कराती है, लेकिन और आप ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यूपीपी, एनडीए, यूपीपी हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एनडीए हो गया, यूपीपी के थ्रू जो है बहुत सी वैकेंसियां निकलती हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, यूपीपी के थ्रू बहुत सी वैकेंसियां निकलती हैं, फॉरेस्ट का निकलता है, इसके बाद रेलवे में भी निकलता है, रेलवे में भी आता है कि आप अगर इंटर किए हो तो नॉन टेक्निकल पोस्ट आते हैं, तो रेलवे में भी वैकेंसियां निकलती हैं,
एसएससी भी बहुत सी वैकेंसियां निकालता है, एसएससी के थ्रू भी कर सकते हैं, और भी ऐसे हैं जो कि हम सब अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में समझेंगे कि क्या है कि हम सब किस गवर्नमेंट जॉब का किस गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में हम सब कौन से स्ट्रीम लेके जा सकते हैं। तो हमने इतना बताया कि जो कि आपके पास डिग्री है और इतना ये डिग्री जो कि यूनिवर्सिटी कराती है, तो याद रखेंगे कि हम इंटर के बाद इतने डिग्रियां कर सकते हैं। कॉमर्स के साइड में है तो ये वाला, साइंस के साइड में है तो ये वाला, आर्ट के साइड में है तो ये वाला, बायो के साइड में है तो ये वाला, ये चार स्ट्रीम हमारे पास है, चारों को हमने डिटेल बना के रखा है। तो एक चीज और है, लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा कहना है कि जो लोग वीडियो अगर देख रहे हैं उसको क्या करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस कमेंट करें। कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, पसंद है तो कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक ही कर सकते हैं।